फिर मुझे इजाजत नहीं देती और बोलते मुझे अभी तक नहीं थी। मैं तो मतलब तरस के मर गया हूँ <laughs> या, इस बार तो पक्का मैं दूंगी यार बस हो गई बहुत <laughs> कोशिश करूँगी यार <laughs> <laughs> मतलब यार मुझे याद आती तुम्हारी मतलब क्या

माइकै प्रमोसन गर्दै सो के छ गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एन्ड युफ न्यू टु द च्यानल यु नो वाट टु डु प्लिज सब्सक्राइब टु द च्यानल लाइक दिस भिडियो एन्ड डोन्ट फर टु टर्न अन द्याट केय नोटिफिकेसन बेल सो गाइज वी आर हियर विथ द रिएक्सन भिडियो ब्रान्ड न्यू रिएक्सन भिडियो एन्ड टुडेज लाइभ होइन किनभने म खुद लाइभमा थिएँ अनि त्यसपछि बिट्स एन्ड अल चाहिँ मैले पनि हेरेको थिएँ किनभने कमेन्टमा हामी धेरै रमाइलो गरेर बसेको थियो टिकटक लाइभमा एन्ड इट वाज भेरी भेरी फन होइन अनि त्यसपछि मैले सोचेको थिएँ यार यो रियाक्ट गर्दा चाहिँ आज चाहिँ ब्लास्टै हुने हो बिकज होइन सबै रियाक्सन सबै हेरेर म त्यहाँ बस्यो भने फेरि रियाक्ट गर्नुको केही अस्तित्व नै हुँदैन किनभने मैले सबै भिडियो हेरिसकेको हुन्छ त्यही भएर म त्यहाँ जाने एक दुईवटा कमेन्ट गर्ने अनि म कतिचोटि चाहिँ जा कस्तो गर्छु नि भल्युम पुरै डाउन गरेर अनि कमेन्ट गर्छु कि अनि त्यसपछि किनभने सुनिँदैन नि त होइन रिएक्सन भिडियो त गर्नुपऱ्यो नि त खाइज सो तर चाहिँ आज चाहिँ म एकदमै दावेकै साथ भन्न सक्छु कि जनताहरूले लास्टै इन्जोय गरेको छ बिकज दे वाज लाइक सो मच मटेरियल इन द लाइफ होइन पिपुल वे लाफिङ लाइक क्रेजी होइन त्यही भएर चाहिँ हामी त्यही क्रेजिनेस फेरि रिएक्सन भिडियोमा ल्याउन ट्राई गरेको छौँ सो लेट्स वाच एन्ड लेट्स रियाक्ट रेडी तपाईँलाई भने के तपाईँलाई रेडी थ्याङ्क यू या तपाईँ तपाईँ साँच्चै के, के तपाईँ हो भने म भन्नुभयो होला त तपाईँ के त्यही त नि हो तपाईँ के तपाईँ थ्याङ्क यू यार भिडियो हेरिदिनुहुन्छ मन पराइदिनुहुन्छ खेती त हाँस्यो भने रमाइदिनुहुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है थ्याङ्क यू साँच्चै साँच्चै के धेरै धेरै धन्यवाद सो लेट्स वाच एन्ड लेट्स रियल हेन् जब yeah. मैं टुमारो होगा बारिश हाँ जब yeah. मैं मतलब लेट जाती हूँ ना जिम और फिर मैं लाइफ से ऐसे कितने आधे घंटे पहले आती हूँ तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती मुझे पता है oh बिल्कुल दैट्स वेरी ट्रू यार जिम वगैरह ऐसे नहीं लेट हो मैं तुम्हारा सर की मसाज कर दूंगा और तेल भी लगा दूंगा मोटू wow. और मसाज भी कर दूंगा सर की यो ऑन द तरीका बनेगो जब यहाँ थे कभी की तो यस तो आवाज़ होगी मेरे वाली जगह Oh. तुमने मेरे सर पे hmm. वाले बस मेरी थी याद है मतलब मसाज कर दूंगा तुम्हारा टिक्कर करूंगा तुम्हारे टांग में दर्द है तो टांग दबा दूंगा yes. तुम्हारे Um, होठो में दर्द दबा दूंगा मेरे से <laughs> तुम्हारे uh, कुछ भी वो तुम बोल तुम बोल करे नहीं कुछ सही है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी फिर सोच के बताऊंगी नाइस सोचो यार तुम्हारी रैंकिंग आई है आवली रही हूँ भी तक नहीं नहीं उसकी नेपाल की आवली है यार ओहो नेपाल की कब आई यार उस दिन आई थी आ गई थी फिर चली गई पता नहीं बैंड हो गया बैंड ओके गए हाँ आईडी वो बैंड हो गई थी ना मेरी लाइफ उसके अगले दिन से फिर चली गई मेरी वो आवली रैंकिंग है उससे hmm. पहले गई थी आपने कहा था उससे पहले गई थी उससे पहले नहीं उसके अगले दिन से गई है जैसे मिला हूँ मे बी गाइस आप लोग डबल टैप ही नहीं कर रहे यार <clears throat> और बताओ मेरी जानू मेरी बेगम ओहो हम hmm. क्या बोलूं कुछ बोलो तुम बोलो <laughs> इतना मुंह फुला के क्यों बैठी हो <laughs> मेरा फोन नहीं चल रहा ओहो नया फोन दिल दो भाई नहीं पागल <laughs> पता नहीं कि उसमें YouTube भी नहीं चलती और इसकी Apple ID का पासवर्ड भी मैं भूल गई हां तो बोलन तू पता नहीं कब मुझे भी भूल जाओगी ये <laughs> तो कोई नहीं होती है तो क्या से तो मैं भूलूंगी भी तो तुम मुझे पता नहीं क्या करोगे सुनो ना हां हां बोलो तुम्हारे में डीएम्स देखती हूं हां हां

खतरे हाजिर आ गाली करा करो ना तो मैं डिलीट नहीं करूंगी गाली की नहीं करनी है कैसी अजीब लड़की है यार आ तुम ही हैंडसम हो तुम ही ये मेरे पास हस्बैंड मटेरियल है हस्बैंड मटेरियल किसने कहा मुझे ओहो ठीक है तीन चार ब्लॉक कर दिया था मैंने उनको तो आ, आया यार। <laughs> और... तो मेरे हो आया ना भाई को मैं केटी को कमेंट के? और आवाज़ देना मनी को था <laughs> जी यार पागल रहने तो ना ऐसे ही नहीं क्यों वो तुम्हें गंदी नजर से देखते हैं पागल तुम्हें नहीं पता लड़कियों का <laughs> लड़कियां भी दिखे गंदी नजर से देखती है कसम से बस तुम नहीं देखती मुझे गंदी नजर से हाँ तो मैं देखती हूँ ना कभी कभी

ऐसा नहीं है पता है मेरे बच्चे होती होते अभी तक दो तीन तो मतलब लड़कियाँ मुझे नहीं तब तो और ज़्यादा डिमांड होती और तो लड़के करते है शादी कितना है लड़कियां बुझ जाती क्योंकि लड़के क्यूँकी ग्लोअ करते हैं लड़के की पेट बड़े हो जाते हैं बुढ़े हो जाते हैं पेट बड़ा है तब बीवी को खाना बनाना आता है मुझे तो नहीं होगा तुम्हारा पेट कभी बढ़ेगा नहीं खाएंगे साथ ठीक है और दूसरी बात तुम ग्लॉप करोगे यार मैं बुझ जाऊंगी तो शादी से शादी के बाद और तो तो तुम अभी नहीं ब्लॉक करते तो आप क्या ब्लॉक करोगे यार मैं <laughs> अभी नहीं देखता तो तब तो तो क्या देखूंगा यार, यार देखते ही नहीं हो वैसे ये तो अच्छी बात है लेकिन स्टिल कभी देख के तुमने रिप्लाई कर दिया थैंक यू तो फिर

मैं तुम्हारी प्रोफाइल में घुसती हूँ बिजी होती हूँ मैं oh. इतना बिजी इस वाली आईडी में तो चलो इतना ही होता था पिछली वाली आईडी में तो इतना था कितना oh. बिजी रहना पड़ता था मुझे ज्यादा तुम्हारे अकाउंट में काम करना पड़ता था <laughs> खतरा हो यार यार अली hmm. क्या हुआ <laughs> आ रहा भाई यार। हो गया भी 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 है देखा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ जोकिंग अल्लाह की आई एम नॉट एंड आई एम नॉट जोकिंग चोर निकली मैं दिन में तीन चार लड़कियों को ब्लॉक करती हूं क्या हो गया यार लिखने दो दिखने तो यार लोग मुझे प्यार नहीं ये प्रोटेक्ट है मतलब ये क्या यार? ये है ये <laughs> प्रोटेक्ट ही तो है तो तो यार अरेस्टमेंट नहीं ये प्रोटेक्शन है पागल प्रोटेक्शन <laughs> किसी की बात ही करता है आए हाय माए माएले पेट्रोल का भर मधे यार डेंजर है यार सही बोलो खतरा बेस्ट तो तुम नहीं करते कभी इंसिक्योरिटी <laughs> mm. कहता कुछ का हाँ तो नहीं कहता कुछ भी हां वैसे ये तो है तुम इंस्टा तो दे देखते हम्म पागल ही सोशल मीडिया से थोड़ा ना मतलब ये ऐसे चाल दिखा दे जी सही हो तो यार अली जी यार बेस्ट तुम तो ओ हमारा नहीं हुआ कैसे बोल सकते हो तुम ये तो पागल हमारे तो मतलब लाइव बैठे लाइव में मिले ऐसे ऐसे करके बात किए शुरुआत बनना बोलते हैं शुरुआत काफी चीज हुई ना यार उसमें काफी टाइम लगी लगभग एक साल लगी क्या पता कोई आप पे नजर रख कर बैठी हो कि अली से जाए तो मैं आऊं अली मुझे थोड़ा सा मौका मिल जाए तो बस मैं घुस जाऊं कैसे भी करके आपको नहीं पता तो लड़कियों की फितरत कपड़ी तेज होती आथ है आधा 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 दिख से गया जो का घर खराब कर देती है कुछ लड़कियां कुछ तो कुछ बाकी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन कुछ ऐसी होती है आप नहीं जानते क्या छोड़ के मत जाओ ना तुम मैं क्यों छोड़ के तो नहीं जाऊँगी बट कभी कभी जब हम आते, हम गुस्सा बात नहीं कर रहे होते ना तो वो उसको पता होगा कि हम बात नहीं करे तो वो मतलब वो मौके की तलाश में होगी अकेला है मैं इसी करके ऐसी <laughs> करती हूँ लड़कियाँ पता <laughs> है इंटरेस्ट होता है तुम बहुत वो हो क्या हो मासूमो मुझे yeah. तुम्हें प्रोटेक्ट करना है पता yes, yes, oh, हाँ है यस यस वेरी ट्रू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट गाइस चमत्कती भी चीजें इजी नहीं होती यस आपने हम अबनो प्रोसेसर दरो देऊ चोरगें ही यू नो आई एम नॉट इवन सरप्राइज अली से बाते एस्तो चीज एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ कसम बिकज सी रियली टेक केयर वाइज दिनभर हम

अरे कैसी बात करते करती सोशल मीडिया कमेंट्स करना वो करना वो तो इनकी मर्जी तो तो मैं अपनी जले तो नहीं रोक नहीं नहीं मैं मैं सकता मतलब में 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 हूँ ये आलत फालतू चीज में नहीं करता अब देखो मेरी बात तुमको आलतू फालतू लगती है और तुम्हारी जले से तुम्हारी जैसी मेरी जले से वड़ा पाव वाह क्या बात हुई ऐसे थोड़ी होता जोड़ी क्या बनना है अब क्या करूं मोटू आई सर अली जी को हैंडसम बना दे बधाई हो बधाई मतलब मेरे लिए मेरे आ? लिए आ? पहले तो तुम क्या मैं बोलूं ऐसे चूसा सा मुंह था तुम्हारा <laughs> तो अजीब बिस्किट जैसे थे तुम <laughs> बिस्किट जैसे कोई डिबो दे <थे> तो टूट जा अब देखो मैं मैंने मैं मैं किया है क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ तुम्हारा <laughs> स्ट्रॉन्ग समझ में आ रही है

अभी तक मुझे चुप्पा भी नहीं दिया बताओ तो किसी और को मैं कैसे किसी और के तुम हो ही नहीं सकते सही तो, तो हाँ, हो अभी तक मैंने दिया बात तुम चुप्पा देने तुम्हें दियो मुझे। हो मुझे मौका दिया नहीं मैंने नहीं दिया तो मैं ही डिजर्व करती हूँ ना भाई मैंने नहीं दिया मेरी दस लाख चली गई तो तो क्या होगा तुम तुम्हारी अनुमति बिना मिला चुपा दे सोचा मतलब मुझे अनुमति नहीं दी देती खुद मुझे इजाजत नहीं देती और बोलते मुझे अभी तक चुप्पा नहीं दी मैं तो मतलब तरस के मर गया हूँ कभी कभी तो मैं दीवार को तुम्हारी सकल के चुप्पा कर देता हूँ यार मतलब याद आती तो, यार क्या? मतलब यार तो मुझे भी दिल कटता है ना कि यार मैंने इस बंदे को क्यों नहीं अभी तक मैंने इसको चुप्पा दिया और हक <laughs> भी मैंने बस दिया चाहते वक्त ही हक देती है जब मेरे पास होता है तो मैं इस तरीके की चुपा देना चाहती हूँ

गाल में छुपा देगी मतलब इसको छुपा के थे <laughs> तो, तुम तुम्हारे गाले हाँ फिनिश uh, उसको छुपा के थे देखो ना 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 शुरुआत तो, तो वही होती है ना, पागल शुरुआत तो वैसे कर लेंगे ना तो फिर देखो जैसे कि ड्रामों में दिखाते हैं तो फिर जब मैं तुम्हें यहाँ चुप्पा दूंगी तो तुम तो तो मुझे पकड़ लेना क्योंकि जैसे ड्रामों में कर दिखा तुम्हें कभी ड्रामे ही दिखे रोमांटिक ड्रामे नहीं देखे तुमने यार नहीं नहीं आओ भी अभी अभी तो हिम्मत ईद के बाद ईद के बाद अभी रमजान स्टार्ट होने वाले हैं ना शैतान अभी कैद हो जाएगा अभी नहीं आ, सही है शैतान कैद हो जाएगा ईद के बाद ईदी में पप्पी दूंगी आ, सही है ठीक है चलेगा वीडियो हम वीडियो वीडियो पिक्चर ही क्यों बोलते हैं क्यों ऐसे मेमोरीज के लिए अब बेटा क्यों

तुम हो। मुझे क्या बता भाई भाई। जब हमने फर्स्ट टाइम कॉल की थी तुम कितना शर्मा रहे थे, अच्छा। तुम मुझे पा रहे थे। अब तुमने मुझे दी थी कि अब मैंने इधर मीडिया बताया कि मुझे मैंने चुप्पा किया तो लोग विश्वास कर लेंगे सबको पता है ये कटिंग करेंगे रे ओके गाइस फर्स्ट किस पर के फर्स्ट किस के कटिंग ओ माय गॉड नो नो बोल रहे सब तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपलोड कर देंगे कुछ भी <laughs> <से थीज़। laughs> तीन एक मतलब ऐसे वो हीरो हीरोइन वाली होती है ना ऐसे आकर के ऐसे तक mm -hmm. करके वाली चुप्पा वाली जैसे कि तुम्हारी शक्ल हो गई ये ऐसे वाली आकर के ऐसे ऐसे टाइप के ना, वो पिक्चर लेंगे ना ऐसे करके हम शादी के बाद अपनी फीड ऐसे ही करेंगे पिक्चर हम अपनी फर्स्ट मतलब जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो हम फर्स्ट वाली पिक्चर लगाएंगे ठीक है <laughs> 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 शादी के बाद महीने के बाद मोटी तुम्हारी ऐसे पेट में माय गॉड हा That... यार पेटे दिखया रहा यार हां ठीक है ना हम हम शादी के बाद अपने पोस चेंज करेंगे देखो या, शादी से पहले हमारा क्या पोस था हम एक दूसरे को देखते हैं राइट हर इस इसका हमारा यही पोस होता है कि हम एक दूसरे को देखते शादी के बाद हमारा फर्स्ट पोस होगा ठीक है फिर हम डिफरेंट डिफरेंट पोस इजाद करेंगे यू नो ले तो असोजनर हासे मान्छेहरु कमेन्ट लेखछ oh यो yes, त्यति के हास्छ नि के तो नहीं। नहीं। <laughs> <laughs> ये तो लव। अरे गाल दर्द यार hmm. We are not Western, तो आ, क्या हुआ हम आ, तो शादी शुदा है ना आ, सही आ, शादिशुदा। शादिशुदा। तो हम तो शादीशुदा होंगे ना आ, तो क्या मतलब एक बात सुनो मेरी जब आ, हमारी शादी जगह माँ निकाह हो जाएगा जो भी है hmm. तो क्या आप मेरी फैमिली के सामने मुझे पप्पे नहीं करोगे करूंगा क्यों नहीं करूंगा क्या कौन सी बड़ी बात होगी तब तो तुम्हें करना पड़ेगा पतेर को अपनी बीवी से प्यार दिखाना पड़ेगा सबको यार आप ना इलाज ला दीजिए बस तब फिर किस आया गाइस

<laughs> क्यों दोस्तों इस टप टप करो यार बस आई मीन यू नो ना, ना उस दिन मैं सोच रही थी कि ना प्लीज मेरे साथ तुम वहां चलोगे हां कहां माउंट एवरेस्ट पे माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट क्यों मुझे चढ़ना है यार माउंट एवरेस्ट पे जो मानसी तो लास्ट एडवेंचरस हो गया है नहीं कसम से मेरा बहुत दिल है हम्म कहीं छोटी वाली पहाड़ में चढ़ लेंगे ना यार क्यों माउंट एवरेस्ट ही चढ़ने तुम्हें अरे मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है यार तुम्हारे साथ हंस रहे यारो डेंजरस नहीं हम पूरी वो क्या बोलते हैं उसे ट्रेनिंग ट्रेनिंग करके जाएंगे मैंने सुना है एक मंथ की ट्रेनिंग देते हैं जो पागल उधर जो भी हो कुछ भी हो मतलब लर्निंग लोया कुछ भी लोग लोग अपनी किस्मत में होती है तो क्या पता उधर जाके कुछ किस्मत बिगड़ जाए ऐसे भी बहुत मतलब नजर लगती रहती है काफी चीज बिगड़ती रहती है काफी काम में मतलब नहीं बनती है सही है उधर यार अमित नाम था माउंटेन से वो माउंटेन चढ़ना आप मुझे अपन मुस्टांग भी नहीं लेके गए मुझे मुझे करीब से देखना है वो वो आपको याद है वो जो हम लोग वो गए थे वो <laughs> <laughs> <तु. laughs> <laughs> <laughs> आपने वो देखा था <laughs> 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 क्या? वो जो उनके हस्बैंड की पिक्चर थी इतने करीब से पहाड़ वो ऐसे रहते देखना है मुझे हाँ तो वो तो कौन सी बड़ी बात हो गई वो माउंट एवरेस्ट ही था वो मौर्य वंश नहीं थी पागल हो तुम फिर कौन सा था वो पता नहीं कोई दूसरी थी वो मौर्य वंश नहीं है एबीसी कैंप होगा हाँ एबीसी बेस कैंप होगी शायद हाँ तो मुझे इतने करीब से देखना है यार हेलो भाई हाय चल जाए के अबे के इंडिया में पाकिस्तान में <laughs> के तो बहुत मुश्किल है के तो ऐसा है ऐसा वो डेंजरस है के बहुत डेंजरस है डीजे दाई मेरे दाई थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तुलदाई एवरीवन डबल टैप वेलकम है दाई वेलकम दीदी दाई देखो कोई के मत चढ़ो कोई सर मत मत चढ़ो चुपचाप चुप आगे मेरी घर की सीढ़िया चढ़ो और मेरी घर की <laughs> बहुरानी बन जाओ खत्म और <laughs> कुछ करने की जरूरत नहीं तुम्हें mm, इधर मेरी घर की बाजू में ही मतलब स्नोफॉल होती है वही पहाड़ में लेके जाऊंगा तुम्हें जब स्नोफॉल हो जाएगी तो पक्का हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ कम टू भूटान अरे हाँ आयुष हमें भूटान भी जाना <laughs> हैं। <laughs> अरे तुम्हें तो सब जगह <laughs> <आतो, क्यों ने? laughs> जानी है यार हाँ तो क्यों नहीं जानी नहीं यार है ना ज्यादा जाता है जनता ही जनता था यानी एक था मना वो कुने ठावे चाहिए ना भूटान तो मुझे भी जाने की दिल कर रहा है पता नहीं क्यों मतलब बहुत अच्छी, आ, बहुत, 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 मतलब जो जो बहुत अच्छी लगती है यार पिक्चर देख के बहुत खूबसूरत है भूटान लाइन पर पता नहीं है ना ऐसे नई नई चीज की अब उधर मतलब नेपाली तो बहुत ज्यादा नेपाली लोग होते पर अब कभी नहीं गए कभी भी मतलब उधर की पता ही नहीं है तो सब कुछ देख के सो गाइज पहिलो पार्ट होइन अहिले यति नै थियो होइन मेरो यहाँ ब्याट्री अलिकति लो भएछ कि जहिले चार्ज गरेर लाग्यो अब भिडियो नै यति गरिन्छ थाहै हुँदैन क्या क्युबा लाइट सो होइन त्यही भएर भिडियो चाहिँ अहिलेलाई यति नै थियो होइन म चार्ज गरेर सकेसम्म टाइम भयो भने चाहिँ म पार्ट टू चाहिँ रियाक्ट गर्छु सो so, कस्तो लाग्यो गाइज यिनीहरूको यार जोडी यार बाघ छ गाई यार होइन हेटको छ होला नि यार गाईजहरू केही छैन यार तिमीहरू पनि यस्तरी आफआफ्नो काम गर्ने हो कि गाई आफआफ्नो काम गर्ने हो होइन हेर्ने मान्छेलाई हेर्न दिनुपर्छ होइन रमाइलो मान्छे रमाउने मान्छेलाई रमाइलो गर्न दिनुपर्छ अब ठ्याक्कै तिमीहरूलाई नै अब त्यही नै लिनुपर्छ अथवा तपाईँहरूलाई नै मन पराउनै पर्छ भन्ने छैन नि त जे आफूलाई मनपर्छ त्यो हेर्न जाऊ न यहाँ जसले हेरे मन परा त्यो मान्छेले त हेर्न देऊ न के भएर होइन तर यार यिनीहरू दुईजना यार

लाग्दैन कि कोही मान्छेले छाडा बोल्यो त्यस्तो फिलै आउँदैन कि आई थिङ्क इट्स जस्ट लाइक like उनीहरू यति प्योर छ अनि जस्तो कुरा गऱ्यो भने एकदमै सोलफुल तरिकाले कुरा गर्छ अनि त्यही भएर हाँस्न पनि हाँस्न मजा आउँछ होइन फिल पनि फिल हुन्छ आई थिङ्क इट्स जस्ट लाइक ए कनेक्सन द्याट वी हेभ मेड टु इच अदर त्यो जहिले पनि राम्रो लाग्छ यार इट्स अलवेज ग्रेट टु रियाक्ट द भिडियोज कसम्म चाहिँ आइएम अ बिगेस्ट फ्यान अफ दम होइन अनि त्यसपछि म चाहिँ फ्यानै भन्न चाहन्छु क्या जनता पनि हो बट आई रियली वान टु सी देम एज अ होइन काइन्ड अफ अ भेरी गुड इन्टरटेनर किनभने दुईजनामै यस्तो भरपुर ट्यालेन्ट छ अनि त्यो ट्यालेन्टले चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वाई पिपल लभ देम क्या अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही भएरमा जतिजना मान्छेहरूले इन्टरटेन्मेन्ट तरिकाले हेर्नुहुन्छ नि आइसु अलिजालाई उहाँहरूलाई नै केही भन्नु मन लाग्दैन बिकज दे आर अल्सो कन्ज्युमिङ समयक अ गुड इन्टरटेन्मेन्ट फ्रम देम होइन अनि त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि पनि राम्रो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ मेन कुरा कति जनताहरूको लागि पनि राम्रो हो अनि राम्रो या जसले सपोर्ट गर्ने मान्छे सपोर्ट गर्नुहुन्छ तर इन्टरटेन्मेन्ट तरिकाले लिने मान्छेले त अब इन्टरटेन्मेन्ट तरिकाले नै लिने नै राम्रै त हो नि होइन इट जस्ट लाइक दे आर इन्टरटेनिङ पिपल अनि त्यसपछि दे आर द्याट लाइक यु नो टेकिङ इट From them. So which is very natural thing on this. If you are entertaining as well, just take it as an entertainment factor. Don't try to create any kind of issues. you go as a entertainment. And as usual, it's it's always pleasure to react their videos, guys. So that was the video, guys. Hopefully, you guys liked it. If you guys liked it, then don't forget to like and subscribe to the channel. And of course, see you in the next reaction. फिर यू खतरा बेस आए निक